तत्काल न्यूज़ लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज़ लाइव। कृषि कानूनों के विरोध में महीनों से आंदोलन कर रहे किसान गुरुवार को किसान संगठनों के नेतृत्व में देश के कई राज्यों में रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं। आज दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच कई राज्यों, खासकर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में रेल की पटरियों पर किसान आंदोलन करेंगे और ट्रेनों का चक्का जाम करेंगे। सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील स्टेशनों पर पुलिस कर्मियों की तैनाती भी की गई है, वहीं रेलवे पुलिस फोर्स ने अतिरिक्त जवानों की तैनात किए गए हैं। राज्यों की पुलिस भी अलर्ट पर है। हापुड़ जंक्शन, गढ़मुक्तेश्वर, धौलाना और पिलखुआ रेलवे स्टेशन की सुरक्षा कर दी गई है। इन चार रेलवे स्टेशनों के लिए 4 मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं। आज कई राज्यों में रेल सेवाएं प्रभावित रहेंगी। रेल रोको आंदोलन के चलते कुछ संवेदनशील रेलवे रूटों की पहचान की गई है। रेलवे की ओर से फिलहाल ट्रेनों का टाइम या फिर रेगुलेशन स्टेशन अपडेट किया गया है। अभी तक किसी ट्रेन के कैंसिल होने की जानकारी नहीं मिली है। भारतीय किसान यूनियन ने अपील की है कि किसी तरह की कोई हिंसा या परेशानी यात्रियों को नहीं होनी चाहिए। संगठन के प्रवक्ता राजेश टिकेत ने कहा कि आंदोलनकारी पूरा ध्यान रखेंगे कि यात्रियों को परेशानी न हो। उन्होंने यह भी कहा कि हम लोगों को पानी, दूध, लस्सी और फल वगैरह देंगे और उन्हें बताएंगे कि हमारी समस्या क्या है। सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि रेल रोको आंदोलन पर गृह मंत्रालय की भी नजर है। बुधवार को रेलवे बोर्ड के साथ एक मीटिंग हुई थी जिसमें तैयारियों की जानकारी दी गई थी। गणतंत्र दिवस को किसान आंदोलन के तहत हुई ट्रैक्टर रैली में हिंसा के बाद सबक लेकर इस आंदोलन के लिए तैयारियां दिखाई दे रही है।